इस बीच अहम खबर है, रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी भाग कर रायबरेली पहुंचे। राहुल अमेठी से डरे, रायबरेली से रास्ता ढूंढ रहे हैं। राहुल से कहता हूं, डरो मत, भागो मत। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है हमला। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का जिक्र किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, रायबरेली का जिक्र किया है, उसी रायबरेली में आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंस कस रहे हैं राहुल गांधी पर, कह रहे हैं अमेठी से भागकर रायबरेली में रास्ता खोजते फिर रहे हैं, क्या तैयारी वहां पर नजर आ रही है? नामांकन होना है आपसे थोड़ी देर बाद राहुल गांधी का। ये देखिए गांधी पर है, इसे इंदिरा कार्यालय कहते हैं। गांधी परिवार जब भी नामांकन दाखिल करता है पहले इसी घर में आकर अंदर गणेश जी की पूजा होती है, हवन होता है, उसके बाद नामांकन के लिए जाते हैं। राहुल गांधी यहां पर पहुंचने वाले हैं। देखिए समाजवादी पार्टी दोनों के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी की 5 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी हैं वो और जिलाध्यक्ष, उनको राहुल गांधी से अलग से मिलाया जाएगा, जिससे कि गठबंधन के तहत एक मजबूती रहे और रायबरेली में कांग्रेस और सपा का गठबंधन बेहतर रहे चुनावों के लिए। और जहाँ तक की बात की जा रही है तो बार बार यही कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की विरासत के चलते, जो सोनिया गांधी ने कहा था कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की विरासत के चलते, जो सोनिया गांधी ने कहा था कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन उनके परिवार से कोई लड़ेगा, रिश्ता पारिवारिक है, इसलिए राहुल गांधी को रायबरेली चुना गया है लड़ने के लिए। जी बड़ी बात बता रहे हैं कुमार, बने रहिए हमारे साथ। कुछ देर में जो नॉमिनेशन से जुड़ी तस्वीरें सामने आएंगी, राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे, वो तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने अमेठी में आज कहा कि वो 6 मई के बाद चुनाव तक रायबरेली में ही रहेंगी और प्रचार की कमान संभालेंगी। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं प्रियंका गांधी का। मैं आज 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी, क्या 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धन बल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे।
हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे भुगी जी कैसे बहुत इतने पहचान कैसे है भैया, बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी हैं, बहुत कैसे हो सही ठीक है। तो अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं, हमें कैसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद। तो हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं और इसकी शुरुआत अमेठी से करेंगे, ये प्रियंका गांधी कहती हुई नजर आई अमेठी के वोटर से, लोगों से। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा के नामांकन से पहले हुए रोड शो में हमारी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने स्थानीय कांग्रेस समर्थकों से भी बात की, सुनिए कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी को लड़ाए, सतीश शर्मा को लड़ाए, राजीव गांधी को लड़ाए और सोनिया गांधी को लड़ाए, राहुल गांधी को लड़ाए, बड़ा अनुभव है। स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी से जो टक्कर है उसमें क्या लग रहा है? मैम स्मृति ईरानी आपकी नहीं आने वाली है, दीदी जाएगी, बहुत दूर जाएगी दीदी, अब नहीं आएगी। स्मृति ईरानी आने वाली है? कुछ नहीं आएंगी, बिल्कुल हार जाएंगी, इस बार उनका कुछ नहीं मिलेगा, बर्बाद कर दिया अमेठी को उसने। मुंशीगंज का इतना बड़ा हॉस्पिटल 2 महीने तक बंद रखा उसको, बताइए कुछ लोग 13 रुपए किलो की चीनी का आ गई मैडम, हम पूछ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए पहुँचे हुए हैं केएल शर्मा, अभी नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का उत्साह यहाँ देखिए साफ तौर पर, जो यहाँ अमेठी में जनता है, कार्यकर्ता है, वो ये जरूर कह रहे हैं कि यहाँ पर इस बार स्मृति ईरानी का खाता नहीं खुलने वाला है, इस बार कांग्रेस की वापसी होने वाली है, क्योंकि कई ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं किया गया। कुल मिलाकर अपने आप आई है यहाँ, जानता पैसा देकर नहीं, अपने आप आई है। क्या होने वाला है इस बार? इस बार अमेठी का विकास होने वाला है। राजा आएगा, बैक आएगा, राहुल गांधी फिर से आएगा, जीत जाएगी अमेठी से, कार्यकर्ता हराएगा अमेठी का। राहुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद।